मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में मतदान एक ही चरण में संपन्न होगा। मध्य प्रदेश की 230 सदस्य विधानसभा के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतों की गिनती 3 दिसंबर को अन्य राज्यों के साथ ही होगी। चुनाव के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। आपको बता दें कि नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर रखी गई है, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 2 नवंबर होगी। प्रदेश के कुल 5,60,60,925 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद INS 24/7 से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार की दिवाली कमल दिवाली होगी। केंद्रीय नेताओं के चुनाव लड़ने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमारे यहाँ हर नेता कार्यकर्ता है, चुनाव किसी के चेहरे पर नहीं बल्कि कमल के फूल पर लड़ा जाता है। वीडी शर्मा जी हमारे साथ में है। जिस तरह से आज तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह की ये पूरी तैयारियां हैं आचार संहिता के बाद, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, आचार संहिता लागू हो गई है, इसके बाद में अगर तैयारियों के मुताबिक ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेंगे। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। सर ये पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। यहाँ हम लगातार देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ में थे और उन्होंने कहा है कि जिस तरह की स्थितियां हैं उसके हिसाब से तैयारियां उनकी पूरी है, ये दावा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव आयोग का धन्यवाद जताया है। सीएम ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन सभी पार्टियों को चुनाव में मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि हमारे पास पीएम मोदी का अद्भुत नेतृत्व है, हमारे कार्यकर्ता कमर कसकर मैदान पर उतर चुके हैं। ये चुनाव जनता ही लड़ेगी और हम शानदार जीत के साथ फिर से वापस आएंगे। अब तक कांग्रेस के उम्मीदवार तक मैदान में नहीं आए हैं। कांग्रेस की सूची कहाँ है, क्या इतनी देर लग रही है और क्यों इतनी देर लग रही है? भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के समाज के हर वर्ग की जिंदगी बदल दी है और मध्य प्रदेश में तो विकास के कामों का रिकॉर्ड ही बना है। शिवराज सिंह, मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। आयोग को धन्यवाद। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, जनता भी बढ़ चढ़ कर भाग ले, क्योंकि चुनाव के माध्यम से ही वो अपनी अगली सरकार चुनेगी जो मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएगी। इतनी बात मैं जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश शालीन प्रदेश है, अपवाद छोड़कर मर्यादाओं का पालन करता रहा है, इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपने स्थान पर है। लेकिन चुनाव में मर्यादाएं सभी राजनीतिक दलों को बना के रखना चाहिए, पालन मर्यादाओं का करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास अद्भुत नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी मध्य प्रदेश के दिल में है, जनता के दिल में है। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सबसे बड़ा दान मतदान का होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ रहेगा। सिंधिया ने पीएम मोदी को लेकर दिए गए विपक्ष के बयान पर कहा है कि उनकी विचारधारा जनता के साथ नहीं बल्कि अपने साथी और कुर्सी के साथ है। सिंधिया ने राजीव शुक्ला के 4 राज्यों में सरकार बनाने के दावे पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में राजनीति का कोई ज्योतिष नहीं है। लगी रही है अभी जो चुनाव आयोग की मीटिंग है 12 बजे, तो उसी के आधार पे जो निर्णय चुनाव आयोग लेगा उसका पालन हम सबको करने का है। और सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा हक मतदान का होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पांचों प्रदेश के मतदाता, तो इसलिए मैं कहता हूं मतदाता, क्योंकि मतदाता भगवान स्वरूप होता है।
इधर मध्य प्रदेश में भाजपा ने चौथी सूची भी जारी कर दी है। चौथी सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। इस तरह अब 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। चौथी सूची में शामिल 57 प्रत्याशियों में 5 महिला प्रत्याशी भी शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से टिकट दिया गया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट दिया गया है। वहीं इंदौर 2 विधानसभा सीट से रमेश मेंदोला और इंदौर 4 सीट से मालिनी गौड़ को टिकट दिया गया है। अटेर से डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया, ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवा, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, खुरई से भूपेंद्र सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। साथ ही सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत और रेहली से गोपाल भार्गव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इसको लेकर जो कैंट विधायक हैं अशोक रूहानी, उनका नाम इसमें शामिल है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार और अपना भरोसा उन पर जताया है। अशोक रूहानी सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, क्या कहना है? मैं सबसे पहले केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर तीसरी बार भरोसा जता है और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उस भरोसे पर खरा उतरूंगा, ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं, क्या योजनाएं हैं, जनता क्यों चुने आपको, क्या मानते हैं इसको? देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि हमने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जमीन तक, जनता तक लाने का प्रयास किया। 5 साल हमारा कार्यकर्ता और हम जनता के बीच में सहज उपलब्ध रहे और साथ ही विकास कार्यों, जो सेवा कार्यों, निरंतर हमने उसमें कैंट विधानसभा में गति प्रदान की। मुद्दा छोटा हो या बड़ा हो, बड़ा आगे उसको मुद्दे को हमने अंजाम तक लाने का प्रयास किया और बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी, बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिनको हमने लगातार सक्रिय रहकर पूरे किए और जनता के बीच में हम अपनी सक्रियता के बल पर, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सक्रियता के बल पर हम जाएंगे। और मैं भी कभी संतुष्ट नहीं रहा, हमेशा कुछ न कुछ रह जाता है, उसको हम नए विजन के साथ फिर मैदान में आते हैं और फिर उसको पूरा करते हैं। इस बार हमें जो उपलब्धियाँ मिली वो जनता के बीच में लेकर जाऊँगा, आने वाले समय में हमें क्या करना है वो उपलब्धियों को भी मैं जनता के बीच में लेकर जाऊँगा। जनता पार्टी ने जो आप पर भरोसा जताया है उनके लिए क्या कहना है? मैं बोल रहा हूँ, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का सबसे पहले मैंने आभार व्यक्त किया उनके आशीर्वाद से और दादा के आशीर्वाद से मुझे पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगा, यह आत्मविश्वास है हमारा, कार्यकर्ताओं का और हमारा। बिल्कुल, ये थे अशोक रूहानी जिनका ये लिस्ट में नाम यहाँ पर आ गया है और ये यहाँ पर काफ़ी खुशी का माहौल है और इनका, अशोक रूहानी का साफ दावा है कि आने वाले चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम जो छूटे हुए कार्य हैं उसे यहां पर पूरा करेंगे। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह नंग को पुनः मौका मिला है और सुहासा विधानसभा से वो अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उनको उम्मीदवार घोषित किया है। वीर जी, पिछले देखा है कि पिछले आप कांग्रेस से लड़े हैं, अब बीजेपी से किस तरीके से देखते चुनाव? उसके पहले भी मैं बीजेपी से लड़ा था और बीजेपी जिस प्रकार से काम करती है, जो काम करने का तरीका है, जो कार्यकर्ता उसके पार्टी के एक मजबूत स्तंभ है और विकास के नाम से, देश हित के नाम से, जनहितैषी योजनाओं के नाम से भारतीय जनता पार्टी मैदान में जाती है और जनता अब जान चुकी है कि हमारे हित में कौन काम करता है, देश हित में काम कौन करता है, राष्ट्रीय विचारधारा किसकी है। और जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, जो मलेरिया और डेंगू बताते हैं, तो जनता उनको भी जानती है। और जो मोदी जैसा नेतृत्व, शिवराज सिंह जी चौहान जैसा नेतृत्व, माननीय योगी जी जैसा नेतृत्व जिसके पार्टी में नेतृत्व करते हो, तो उन पार्टी को भी आज देश की जनता जानती है। तो मेरा मानना है के अभी आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वीर जी, पिछली बार शिवराज जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, इस बार क्या लगता है, इस बार किस तरीके से किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अभी तक कोई नाम क्लियर नहीं हो पाया? यहाँ पर चेहरा होता कमल का फूल, कमल का फूल ही चेहरा होता है और सब नेता एक जैसे होते हैं, बढ़िया होते हैं। एक कार्यकर्ता भी बड़ा नेता माना जाता और एक बड़ा नेता भी कार्यकर्ता
यहाँ पर गिला। यहाँ पर मोदी जी खुद अपने आप को नेता नहीं मानते, कार्यकर्ता मानते हैं, तो अपने आप में कमल का फूल ही सबसे बड़ा एक चेहरा होता है। तो इसमें सब मिलकर काम करते हैं और जो पार्टी का आदेश मिलता है तो प्रत्येक कार्यकर्ता मैदान में आ जाते हैं। तो ये था हमारे साथ में मंत्री हरदीप सिंह जी, उनका कहना है कि स्पष्ट तौर पर जो इनके जो पुराने जो कुछ विकास कार्य रह गए थे वो विकास कार्य को पूर्ण इस बार करके करेंगे और जनता के बीच में नई शुरुआत लेके जाएंगे। कमलेश मोदी एनलिस्ट। इसी बीच रुक कर लेते भोपाल का बड़ी खबर, भोपाल से जहां बीएसपी ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी सूची, 26 प्रत्याशियों की सूची जारी, पथरिया से वर्तमान विधायक रामबाई को टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी ने भी अब अपनी सूची जारी कर दी और तीसरी सूची जारी की गई है, आपको बता दें, जिसमें 26 प्रत्याशियों के नाम सामने आए हैं। पथरिया से वर्तमान विधायक रामबाई को टिकट दिया गया है। तो आपको बता दें, कल मध्य प्रदेश भोपाल में भाजपा की चौथी सूची जारी हुई थी, उसके बाद अब बीएसपी ने भी अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। 27 नामों की घोषणा कर दी है, 27 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा इस सूची के जरिए कर दी गई है। आपको बता दें, पथरिया से वर्तमान विधायक रामबाई को टिकट दिया गया है। तो बीएसपी ने अपनी सूची जारी कर दी है विधानसभा चुनाव को लेकर। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश भोपाल से 26 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए मंदसौर से यशपाल सिसोदिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी ने INS 24/7 से बातचीत करते हुए कहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने चौथी बार मुझे उम्मीदवार बनाया है, मैं इस पर खरा उतरूंगा। तो पूर्णा मैदान में उतारा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यशपाल जी। यशपाल जी, आपको बधाई हो, पुनः आपको वापिस से कहीं कहीं जो जवाबदारी मिली है, किस तरीके से देखते हैं जवाबदारी को? मेरी जवाबदारी, मेरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास, जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा, ये समग्र चिंतन जब करता हूं तो मुझे लगता है कि पार्टी ने चौथी मर्तबा जिला मुख्यालय पर जो मुझे जवाबदारी दी है एक उम्मीदवार के रूप में, मैं इस उम्मीद पर खरा उतरूंगा। जैसा मैं कल था वैसा मैं आज भी हूं और वैसा मैं कल भी रहूं। यशपाल जी, ऐसी कौन सी देखिए, विकास के कार्यों में हम 100% मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। हमारा एजेंडा, हमारी घोषणाओं में समाविष्ट हमारा दृष्टि पत्र, ये सब कल तक था। आज यदि हम नया घोषणा पत्र बनाएंगे, दृष्टि पत्र बनाएंगे, तो हमको नए समीकरण के साथ मंदसौर विधानसभा क्षेत्र का विकास का एजेंडा तय करना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार अगर हमारे घोषणा पत्र में लाडली बहना नहीं थी तब भी आज हमने लाडली बहना का बड़ा काम गरीब कल्याण का दे दिया। अगर हमने पिछली बार किसान सम्मान निधि स्टेट में नहीं थी, सेंट्रल से थी, तो हमने नए सिरे से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, नित नए नए नवाचारों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। तो ये है मेरे साथ में नवाचार के साथ को नए तरीके आप ले जाएंगे। जयपरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर से विधायक सुशील तिवारी इंदू पर बीजेपी ने विश्वास जताया है। तीसरी बार प्रत्याशी बने इंदू तिवारी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा है कि एक बार फिर हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करेंगे। जनता पार्टी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है, पहले 39 नाम, फिर 39 नाम, उसके बाद एक नाम और अब 57 नाम आए हैं, जिसमें जबलपुर की हम बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। जो सिटिंग एमएलए थे उनको ही अपना प्रत्याशी बनाया, हमारे साथ मौजूद है पनागर विधानसभा क्षेत्र के जिनको प्रत्याशी बनाया विधायक सुशील तिवारी इंदू, हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। ये बात करें, इस बार एक बार फिर पार्टी ने आपको पुनः प्रत्याशी बनाया, आपके ऊपर विश्वास जताया, कैसा लगता है? पार्टी ने तीसरी बार मेरे ऊपर विश्वास किया। हम पार्टी नेतृत्व का, अपने कार्यकर्ताओं के, अपने संगठन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विश्वास किया और जीत के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जनमानस के बीच में मैंने शासन की योजनाओं को बहुत गति से और बहुत दमदारी से उसको लाभ दिलाने का प्रयास किया है और उसी आशय से हम लोग आज इस बात को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे ऊपर तीसरी बार विश्वास किया पार्टी। तीसरी बार आप पुनः पनागर की जनता के बीच में जाएंगे, क्या रोड मैप रहेगा इस बार? दो बार में कुछ कहीं कोई कमी रह गई थी कि तीसरी बार पर? अब जो कमी रह गई थी उनको हम सीधे पूरी करते हैं, घोषणाएं कम करते हैं। यह हमारी पार्टी का सिद्धांत है कि घोषणा वीर नहीं बनते, हम लोग काम करते हैं और जो बोलते हैं वो करते भी हैं। तो अब इसके लिए बहुत समय है, अभी तो टिकट तय हुई है, जीतने के बाद ये प्रश्न आपका ज्वलंत रहे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
पिछली बार आपकी लीड जो थी वो बड़ी थी, इस बार उम्मीद क्या की जा रही है आपके? इससे बेहतर करने का प्रयास होगा और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन हम आंकड़ा भी बताने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित ये सुशील तिवारी हिंदू जिन्होंने अपनी जीत के प्रति पूरा आश्वासन दिया और साथ ही कहा है कि जनता जो कांग्रेस है वो पीछे चल रही है और जनता एक बार फिर हमको मौका देगी। तो जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। मध्य प्रदेश के पाटन की बात करें तो मध्य प्रदेश के पाटन विधानसभा से भाजपा ने कद्दावर नेता अजय विश्नोई पर भरोसा जताया है। विश्नोई ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उन कार्यों को देखते हुए जनता हम पर विश्वास करेगी। सूची जारी हो चुकी है और उसमें जबलपुर से 3 नाम सामने आए हैं जिसमें पाटन विधानसभा क्षेत्र से अजय विश्नोई, पनागर से सुशील तिवारी हिंदू और कैंट विधानसभा से अशोक रुवाणी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और पाटन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए अजय विश्नोई जी, वर्तमान में विधायक हैं। हम उनसे ही चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास। भैया, एक बार फिर पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व का भी। पाटन विधानसभा की बात करें तो लगातार आप वहां पर सक्रिय हैं, इस बार किस प्रकार के समीकरण आप देख पा रहे हैं? जीत के समीकरण बहुत स्पष्ट है, न सिर्फ अजय विश्नोई के परंतु भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी बहुत बहुत के साथ में जीतने को जा रही है। क्योंकि गांव-गांव के अंदर, गली गली के अंदर, एक एक घर के अंदर हम देखते हैं तो केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं की लगातार हितग्राहियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। मेरी सक्रियता निश्चित रूप से मुझको ये विश्वास दिलाती है कि हम चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस की बात करें तो आपकी 4th लिस्ट जारी हो चुकी है, कांग्रेस अभी पहली लिस्ट भी नहीं आ पाई, क्या लगता है? मार पिटाई मची हुई है, खेचमतान मची हुई है, कैंडिडेट का नाम तय करना उनके लिए असंभव होता चला जा रहा है। चाहे वो जबलपुर में बैठ जाएं, चाहे भोपाल में बैठ जाएं, चाहे दिल्ली में बैठ जाएं, वही खेचमतान मची रहती है। दिल्ली के मध्यप्रदेश भवन में जाके देखिए तो कांग्रेसियों का जमावड़ा है। हम बीजेपी वालों को कभी दिल्ली जगह टिकट मांगने की जरूरत पड़ी नहीं, वो पीछे है चुनाव के टिकट के फैसले करने में, चुनाव में भी पीछे रहेंगे और सरकार बनाने के लिए तो असंभव है। इस बार का क्या रोड मैप रहेगा? 5 साल के किए गए काम, दिल्ली सरकार और भोपाल की सरकार के द्वारा दी गई योजनाएं, लोगों को पहुंचाया गया लाभ, ये मेरा रोड मैप है और यही जीत की लाइन है। तो ये थे अजय विश्नोई जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पार्टी द्वारा कार्य किए गए हैं और जो मेरे द्वारा सक्रियता रही और कार्य किए गए हैं वही मेरे जीत की गाइडलाइन रहेगी। अब देखना ये होगा कि कितने चुनाव में क्या परिणाम सामने आते हैं। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी पूरी कर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनावी तारीख घोषित होने पर कहा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो गई है। 2023 के लिए रिमोट एरियाज में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। 2018 के मुकाबले वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमने कई प्रयोग किए हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज से आचार संहिता लागू हो गई है और इसको लेकर अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग की भी तैयारियां परिपूर्ण तरीके से दिख रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो एक ही तारीख में, एक ही चरण में ये चुनाव हो रहे हैं तो ये थोड़ा सा टास्क डिफिकल्ट हो जाता है? नहीं, मध्य प्रदेश में चुनाव पिछले वर्ष भी एक ही चरण में हुए थे तो पुरानी पूरी व्यवस्था है, जैसे पिछले वर्ष चुनाव हुए थे उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इस वर्ष भी चुनाव कराएंगे। सर, दूसरा, चूंकि एक ही चरण में हो रहे हैं लेकिन हमने देखा था कि जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ वोटर्स बढ़े हैं, इसके अलावा जो है चुनाव आयोग ने एक बड़ा जो प्रयोग किया वो ये कोशिश की है कि इस बार पोलिंग बूथ जो है वो ज्यादा अप्रोच में आ जाएं, रिमोट एरियाज में खासतौर पे जो 2 किलोमीटर वाला नियम आपका है वो लागू हो। कितनी संख्याएं बढ़ाई गई है, कितना अनुकूल रहने वाला है इस बार वोटर्स के लिए? नहीं, कोई भी वोटर को 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना पड़े, ये व्यवस्था पहले भी थी, प्रयास इस बार भी हैं कि वोटर्स को कम से कम दूरी का ट्रैवल करनी पड़े, जाना पड़े और वोटर्स की सुविधा का ध्यान रखा गया है। मतदान केंद्र पे व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं, मतदान केंद्र की दूरी कम की गई है और प्रयास है कि उनको एक अच्छे माहौल में अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर प्राप्त हो। वोटर्स की अवेयरनेस के लिए कोशिश होती है हम लोगों की तरफ से कि वो वोट करने लोग आए, तो कितना इम्पोर्टेंट है सर वो? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सारा प्रयास इसीलिए है कि जो मतदाता है वो लोकतंत्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। पिछले चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत प्रदेश का रहा है वो 75% के आसपास था। हम लोग प्रयासरत हैं और आपके माध्यम से अपील भी करते हैं उन सभी मतदाताओं से
कि वो जब 17 नवंबर को चुनाव हो प्रदेश में जो डिक्लेयर हो गया है तो उस दिन अपने मताधिकार का जो अवसर है जो अधिकार है उनके पास उसका जरूर उपयोग करें और वोट जरूर डालें। धन्यवाद सर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह की ये तैयारियां हैं वो लगभग परिपूर्ण नजर आ रही हैं या ये कहा गया है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवी, INH 24/7 भोपाल। ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र से भाजपा ने एक बार फिर से भरत सिंह कुशवाहा को चुनाव में उतारा है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने विधानसभा क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है। जनता पार्टी की चौथी बहुप्रतीक्षित सूची जारी हो गई और उसमें ग्वालियर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की बात किया है तो ग्वालियर ग्रामीण से मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी को टिकट फाइनल हुआ है और मंत्री भारत सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। जो सूची जारी थी बहुप्रतीक्षित, आपको पूरी उम्मीद थी कि आपका नाम आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और हमेशा कार्यकर्ता का ही चयन भारतीय जनता पार्टी करती है। आज हमारी सरकार है, सरकार के माध्यम संगठन के बेहतर काम के वजह से संगठन खड़ा हुआ और संगठन के वजह से हमारी सरकारें बनती हैं। सरकार ने जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह से प्रदेश का विकास चारों तरफ किया है मूलभूत सुविधाओं के अलावा योजनाओं पर, वो ही मैंने अपने क्षेत्र में कोशिश की कि मेरे क्षेत्र का संपूर्ण विकास कैसे हो, इसके लिए बराबर सहयोग मेरे मुख्यमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री जी का, सभी का सहयोग मिला है। सवाल ये है कि जो मध्य प्रदेश में जो चुनाव की माहौल है उसके साथ साथ प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ साथ केंद्र की योजनाओं को भी आपने अपने क्षेत्र में लाए, चूँकि आप नरेंद्र सिंह जी के करीबी माने जाते हैं, तो जो वो ध्यान की विभाग की योजनाएं थी वो भी आपके वहाँ धरातल में रूप ली, तो क्या आपको कुछ फर्क पड़ेगा उसका, कुछ प्रोजेक्शन दिखाई देगा उसका चुनाव में? देखिए, चुनाव किस लिए चाहते हैं होते हैं, जनता चाहती है हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमें मूलभूत सुविधाएं मिले, हमें शासन की बेहतर योजनाएं मिले, तो केंद्र और राज्य सरकार के दोनों डबल इंजन की सरकार की वजह से मैं ये कह सकता हूँ सभी विभागों के काम मेरे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में मैंने कराने के प्रयास किए। मुख्यमंत्री जी का बराबर आशीर्वाद रहा, केंद्र का भी रहा, दोनों सरकारों के आशीर्वाद के वजह से मेरे क्षेत्र में कई नए नवाचार हुए। नए नवाचारों के साथ साथ योजनाओं का लाभ दिलाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारे कार्यकर्ता भी पूरे जी जान के साथ जनता के बीच में रहे, मेरा सहयोग किया है, योजनाओं को भी बराबर कैसे संचालित किए हैं, कैसे योजना से जोड़ा जाए, ये कार्यकर्ताओं ने भी चिंता की, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है ग्वालियर ग्राम की। थे मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की फिर से सरकार बनेगी और उन्होंने जो टिकट मिला है, बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें जो मौका दिया है उसका क्षेत्र की जनता की आशीर्वाद के रूप में उसको ले रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। इधर पन्ना टाइगर रिजर्व से एक रोमांचित करने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक साथ 5 बाघ पानी में अटकेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों से गुलजार है। टाइगर रिजर्व के कोर और बफर क्षेत्र में 90 बाघ विचरण करते हैं। इस रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को बाघ का दीदार आसानी से हो जाता है। वही बाघों के पानी में अटकेलियां करने का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पन्ना से वीडियो सामने आया है जहां पर कुछ बाघ पानी में अटकेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें। आपको बता दें कि पन्ना में बेहद सारे बाघ हैं और यदि आप जाते हैं तो आपको बाघ का दीदार भी जरूर हो जाता है। तो तस्वीरें देखिए, बाघ हैं, बाघ के शावक भी हैं यहाँ पर और सभी तालाब में अटकेलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं।